मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समय दिया, हम आपके उनसे आभार हैं सर। और इसके अलावा जो इसमें हमने डायल 112 एसटीपी सर उसके बारे में बता दूं, हमारे डायल 112 6,62,00,000 में एसटीपी सर उसी टेक्निकल काम के लिए यूपी में 641 करोड़ लगा था सर। और उनका टोटल डायल 112 का प्रोजेक्ट 2900 करोड़ का बना, जिसमें भवन गाड़ियाँ ये सब था। हमने गाड़ियाँ आपको पता है सर हंस फाउंडेशन से लेकर हमारा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है, बल्कि दूसरे स्टेट से हमें स्टडी करने आ रहा है। यूपी ने गलती की थी सर कि उन्होंने जो डायल कॉल टेकिंग का काम था ये उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, तो आउटसोर्स कंपनी सर सस्ते के चक्कर में अपने एम्प्लॉयज को छठे महीने आना छठे महीने बदलती रहती थी, तो उनमें क्वालिटी नहीं थी। हमने जो लड़कियाँ थी उनको 60 लड़कियों को डायरेक्ट ट्रेनिंग बैच से उठा के यहाँ लगा दिया, तो वो सक्सेसफुली और एक्सपर्ट होती जा रही है। बहुत अच्छा काम सर हमारे यहाँ कर रही है। इसके अलावा सर आज के दिन हम एक ई बीट बुक की शुरुआत भी करेंगे सर। जो ई बीट बुक है सर, एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्मार्ट पोल्यूशन का विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम है। अभी हमारा जो सीसीटीवी के थ्रू पूरे देश में थानों के लिए क्राइम और क्रिमिनल का डाटा सर नेटवर्किंग हुआ है, उसको हमारा सिपाही मोबाइल से ही लिंक हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी तो आकर के मैनुअली फीड करता है, इन फ्यूचर ऐसा होगा कि वहीं पे बीट सूचना लिखी वो डायरेक्ट सीसीटीवी में आ, वहीं से कुछ उसने एक फोटो खींचा वीडियो खींचा सर सीधा हमारे सीसीटीवी में आईओ के पास चला गया। तो सारा धीरे धीरे सर हम इसको और ज़्यादा टैक्स सेविंग बना देंगे और ज़्यादा स्मार्ट बना देंगे सर। इसके अलावा सर आज हम एक खोए हुए मोबाइल जो उनको खोए हुए मोबाइल को लॉक ब्लॉक करने का सर, मान लिया आपका मोबाइल खो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। इस पर आप अपने मोबाइल को नंबर को ब्लॉक करा सकते हैं, अगर नंबर ब्लॉक हो गया तो कोई भी आदमी उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो हमने उस सुविधा को सर हमारी अपनी सीसीटीवी से इंटीग्रेट कर दिया है, तो उसकी भी सर आज शुरुआत कराएंगे आपसे। और एक लास्ट में सर जो हमारा जो ट्रेनिंग बैच अभी जिसका आपने सर नियुक्ति पत्र दिए थे जिन लोगों को 1400+ जो लड़के हैं उनके लिए सर हमने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है सारा एक जगह, आज उसका भी एक आपसे विमोचन करवाएंगे सर। उसमें सारे एक्ट्स हैं, व्यवहारिक पुलिस में क्या होता है, थाने के क्या काम होता है होते हैं, संवेदनशीलता उसके माध्यम से सिखाएंगे सर, पीड़ित केंद्रीय पुलिस में सिखाएंगे। तो ये सर हमने उसके थ्रू कोशिश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड पुलिस पूर्ण निष्ठा और कर्तव्यपरायणता से आगे बढ़ रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने आज के लिए हमारे लिए समय दिया और हम जो भी प्रोजेक्ट पुलिस का भेजते हैं उसको वो इजीली स्वीकार करते हैं, बल्कि कई बार फाइनेंस की आपत्तियों को भी और उन करते हुए सीएम सर और हमारी एसएस मैडम जो है हमारे काम को आगे बढ़ के करवाते हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सांसद महोदया का और एसएस महोदया का और
विधायक जी का दिल से आभार। थैंक यू सर। यहाँ पर पुलिस का है कि पुलिस के पास कार्यालय हो, कार्यालय के साथ साथ अच्छे कार्मिक हो, और अच्छे कार्मिकों के साथ साथ अच्छा काम भी, ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो उधर हम लोग जो राजनीतिक दल के अंदर जो सीखते हैं या राजनीतिक दल में जो चर्चा करते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर हमारा काम कार्य हमारे कार्मिक और कार्यक्रम ये सारे के सारे मिलकर निश्चित रूप से एक अच्छी आधारशिला रखने का काम होगा। और पुलिस के बारे में अभी डीजीपी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, मैडम ने भी बताया कि आज ई बीट ऐप के साथ ही उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो पुलिस सिटीजन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और एक आपसी नागरिक पुलिस प्रशिक्षण पुस्तिका इसका भी विमोचन किया गया है। और जैसा कि अभी आपने बताया ई बीट ऐप को पुलिस एवं आम जनता से संबंधित विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन समाधान, कानून व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए और पुलिस कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही जो विशिष्ट पोर्टल है इसके लॉन्च होने से हमारे नागरिक जिनका जैसा कि अभी आपने इसमें डेमो में भी दिखा रहे थे कि मोबाइल फोन तथा चोरी हो जाने पर घर में बैठे ही बैठे रजिस्टर कर अपने फोन पर IMEI जो नंबर है वो ब्लॉक कर सकेंगे और निश्चित रूप से जो डाटा आजकल खो जाता है कई सारी प्रकार की जो परेशानियां आ जाती हैं उन सब का समाधान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भवन निश्चित रूप से ये हमारी पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और उसमें भी जो है पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, पुलिस उसको बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमारी पुलिस आगे बढ़े उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हमारा संपूर्ण प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके द्वारा लगातार पुलिस अच्छी हो, पुलिसिंग अच्छी हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी हमारे पुलिस के जवान, सभी अधिकारीगण और सभी कार्मिक जैसे पहले से सब प्रयास करते रहे हैं, सब लोग मनोयोग से काम करते रहे हैं, आगे भी आप सब लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि संपूर्ण देश में हमारा राज्य ही ऐसा है जहाँ पर पुलिस ने पुलिस को मित्र पुलिस कहा गया है और मित्र पुलिस के नाते सेवा और सुरक्षा के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और इसके साथ साथ आपदाओं के समय में भी हमारी STRF ने, पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के अथक प्रयासों से हम इस जो गौरवशाली सेवा है इस गौरवशाली सेवा को और अच्छा बनाएंगे और लोगों के लिए आसान बनाएंगे और जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है और ये मंत्र केवल मेरा नहीं है, ये मंत्र हम सबका है क्योंकि मैंने उसको आगे किया है, लेकिन इस मंत्र को साक्षात रूप से धरातल पर उतारना, उसको सरल बनाना, उसका समाधान निकालना, मैं समझता हूँ कि हम सबका उत्तरदायित्व तो और हम सब लोग करेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य करेगी। अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के साथ आप सभी को अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से आज जो भवन हमको मिला है और जिन उद्देश्यों से भवन बना है उसमें कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह और एक उमंग का संचार होगा जिससे कि हम लोग एक अच्छी पुलिसिंग देकर इस पुलिस के क्षेत्र में भी हमारी पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेगी कि किस प्रकार से कम संसाधनों में भी अपने को अत्याधुनिक बनाना और अत्याधुनिक बनाते हुए अच्छे से अच्छी सेवा देने का काम हमारी पुलिस करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद।